हाय एवरीवन वेलकम टू कारण क्रांच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जहां कल हमने स्टॉप किया था पहले उनके लिए जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूँ की इसमें मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस के सुपरवाइजर एग्जाम के रिलेटेड ठीक है तो इसमें मैंने आपका जो है वो स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है वो कम्प्लीट करवाया हुआ है करंटली उसकी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है जिसका यूनिट वन जो है वो अपलोड हो गया है यूनिट वन का पार्ट वन एंड एक दो दिन में आपका यूनिट वन का जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्ट टू पार्ट टू में आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा उसका भी जो आपको वीडियो है मैराथन कम रिविजन वाला वो आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आपको मेरे वीडियोज का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी एंड आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तो भी आपको चैनल जो है मेरी काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इस पर मैं सोशलॉजी की जो नितिन सांगवान सर की बुक है उसकी सीरीज कवर करवा रही हूँ एंड करंटली हमारा पेपर बी चल रहा है जो ऑलमोस्ट हमारा एटी परसेंट हो गया है ठीक है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको हार्ट के अंदर डॉलर साइन मिल जाएगा प्लस अगर आप वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको यूपीआई आई डी कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप मेरी डिस्क्रिप्शन से भी वो देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा कल मैंने आपको कहा हम ये स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो फ्रीडम स्ट्रगल हम कहाँ से ट्रेस करते हैं आपका जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था वहां से लेके आपके इंडिपेंडेंस का टाइम 1947 तक तो फिर हमने पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा थोड़ा मैंने आपको उसका बताया कि वो रिवॉल्ट क्यों हुआ था एंड देन आपके लिए कुछ फैक्चुअल नॉलेज थी उसमें जैसे आपको सेंटर्स याद रखने थे उसमें सेंटर्स ऑफ कौन से थे एंड उनके लीडर्स कौन से थे ठीक है एंड मैंने आपको एक टाइम लाइन बताई थी मैंने आपको कहा कि हम क्रोनोलॉजी में चलेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है वो हम फॉलो करेंगे इससे आपका जो मेमोराइजेशन है एंड रिटेंशन है इस कंटेंट की वो ईजी हो जाएगी तो आई एन सी की हमने प्री ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी जो पहले प्री आई एन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बनी थी एंड उनके लीडर्स वो नाम आपको याद रखने हैं सारे ठीक है उसके बाद मैंने आपको कहा था हमें कैसे जो है स्टार्ट करेंगे 1885 में आपकी आई एन सी बनी थी और आई एन सी के हम उसको डिवाइड करेंगे तीन फेजे में उसके बाद कैसे आपकी जो हिस्ट्री कोर्स ऑफ इवेंट्स है हिस्ट्री में वो कैसे चले थे एक हम मैंने कहा था मॉडरेट फेज आपका चला था मॉडरेट फेज वो आपका था नाइनटीन हंड्रेड एंड 5 से लेकर सॉरी 1885 से लेकर 1905 तक ठीक है उसके बाद आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज चला था एक्सट्रीमिस्ट फेज वो चला था आपका 1905 से लेकर 1917 तक और फिर आए थे आपके गांधी तो आपका उसके बाद गांधीयन फेज कंटिन्यू हुआ था 1917 से आपका 1947 तक बीच में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक दो हुए थे जो हमें देखना है एक आपका रेवल्यूशनरी नेशनलिज्म नेशनलिज्म ठीक है इसको हम दो फेजों में ट्रेस करते हैं एक था आपका 1907 से लेकर 1917 तक फेज वन एंड नाइनटीन ट्वेंटी थ्री से नाइनटीन थर्टी वन तक फेज टू ठीक है फिर और एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट बीच में चली थी जिसको हम बोलते हैं होम रूल मूवमेंट वो आपकी थी 1916 से लेकर 1917 तक तो इसमें भी या इन जो सारे ये टॉपिक्स या की पॉइंट्स या कीवर्ड्स आप बोल लो यहाँ से आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो बनने के काफी चांसेस होते हैं इसी वजह से मैंने ये टाइमलाइन थोड़ा डराइव किया इसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे सारा एक क्रोनोलॉजी में ही होगा मॉडरेट फेज ईयर बाय ईयर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज में ईयर बाय ईयर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ठीक है कंसेप्ट में आपको साथ साथ बता दी जाऊंगी एंड फैक्चुअल जो है वो आप अपने नोट्स पे नोट डाउन करते जाओगे ताकि ता आपका जो इसमें ये है इजीली आप इसको मेमोराइज कर सको ठीक है तो ये था अभी तक जो हमने कल देखा फिर और कल थोड़ा हमने डिटेल में सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके सेंटर्स एंड इसके लीडर्स वगैरह पढ़े एंड प्री आई एन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी थी अब हम आज देखते हैं देखो प्री ऑर्गेनाइज प्री आई टाइम में क्या हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जो थे ब्रिटिशर्स ने पास किए थे वो काफ़ी एक्ट थे लेकिन हमें क्या करना है हमें थोड़े एक्ट उसमें देखने हैं उसके बाद हम आएंगे आईएनसी वाले एरा में लेकिन प्री आईएनसी प्री आईएनसी कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए थे वो इंपॉर्टेंट एक्ट्स देख लो कौन से थे ये आपको लिखने हैं ठीक है थीके? पहला है आपका आर्म्स एक्ट 1878 ठीक है ये जो आर्म्स एक्ट 1878 है ये क्या कहता था बेसिकली ये कहता था कि जो इंडियंस हैं दे वर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर सेल और इवन कैरी अ वेपन ठीक है sell, weapon, तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था इनके सारे यूजली डिस्क्रिमिनेटरी ही थे क्योंकि यूरोपियंस को अलाउड करते थे कि वो आर्म्स आपके जो वेपन्स वगैरह हैं यूरोपियंस दे वर अलाउड टू कैरी वो रख सकते थे मैन्युफैक्चर कर सकते थे उसका ठीक है कैरी कर सकते थे सेल कर सकते थे लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं दे वर नॉट अलाउड कैरी सेल या कैरी मैन्युफैक्चर या आपका सेल वेपन्स ठीक है तो ये एक लाइन याद रख लो आर्म्स एक्ट की सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट एक्ट जो इस टाइम पे पास हुआ था तो प्रेस एक्ट काफी बनता है वर्निकुलर प्रेस एक्ट में जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं ठीक है एटीन इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है गैग क्या होता है बेसिकली किसी को साइलेंट कर देना तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया था साइलेंट करने की कोशिश की थी किनको साइलेंट करने की कोशिश की गई थी जो आपके वर्निकुलर वर्निकुलर होता है जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए थे उनको साइलेंट करने की कोशिश की गई थी ये भी डिस्क्रिमिनेटरी था क्योंकि ये अप्लाई होता था सिर्फ नॉन इंग्लिश न्यूज के लिए कि अगर उसमें आप कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो है ब्रिटिश की उसको क्रिटिसाइज करोगे तो आपको क्या किया जाएगा आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सील कर सकते हैं उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं ठीक है आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसमें कोई ऐसा सेंटिमेंट लोगों के अंदर नहीं जगा सकते हो तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही था फिर इसमें भी काफी पॉइंट्स है आपको इतना डिटेल में इस एक्ट में नहीं पढ़ना है बस आपको ये देख रहे हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था वो अगेंस्ट जो था पब्लिकेशन आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज की है वो ठीक है तो आप इसमें ब्रिटिशर्स उनको पावर था कि वो कन्फिस्केट कर सकते थे सील कर सकते थे आपका सारा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है अगर आप कुछ भी उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलो तो इसमें आपको क्या याद रखना है पहला कि ये एक्ट लाया किसने था ये एक्ट लाया था आपके उनको बोलते हैं लॉर्ड लाइटन ठीक है बाय लाइटन तो लाया किसने था लाइटन ने इसमें दो चार नाम याद रख लो इसको रिपील किसने किया था दैट मीन्स फिर खत्म किसने किया था इसको इसको खत्म किया था लॉर्ड राइपन ने ये नाम याद रख लेना इसके साथ ठीक है इसको रिपील किया था इसने एंड इसको लाया था लॉर्ड लाइटन ने खुद को खुद ही लॉर्ड बोलते थे हमारे लॉर्ड तो, तो ये नहीं है ठीक है तो ये हो गया फिर इस चीज से और एक रिलेटेड प्रेस से ही रिलेटेड एक और चीज लिख लो ये एक प्रेस एक्ट है एटीन में बेसिकली इसके बाद क्या हुआ था ये अच्छा एक्ट था इंडियंस के लिए इसके बाद न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ इंडिया में स्टार्ट हुई थी ये लाया था चार्ल्स मेट कैफे ने चार्ल्स मेट कैफे तो इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ठीक है कहीं ऐसा हो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस आपको एग्जाम में इस वजह से लेना आर्म्स एक्ट है प्रेस एक्ट में आपका याद रखो कि गैगिंग एक्ट था एंड नॉन इंग्लिश और, इंग्लिण और इंग्लिण लोकल लैंग्वेज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता था सिर्फ नॉन इंग्लिश के लिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ये लाया था लॉर्ड लाइटन ने एंड रिपील किया था रायपन ने आर से याद रख लो रिपील आर से रायपन चार्ल्स अमेट कैफे उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है जो एक्ट लाया था इस एक्ट से क्या हुई थी ग्रोथ ऑफ न्यूज हुई थी ग्रोथ इन इंडिया में इन इंडिया ठीक है ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है जो प्री आई एनसी टाइम में हुई थी बिफोर वी इन टू द फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एरा एटीन एटी फाइव का उससे पहले आपको ये चीजें याद रखनी है और एक चीज इसमें याद रख लो आप एक एलबर्ड बिल कॉन्ट्रोवर्सी एलबर्ट बिल ये बेसिकली लाई गई थी इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था अगर ये बिल जो है पास हो जाती है पास नहीं हुई थी तो जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं जो आपके इंडियन जजेस हैं उनके पास पावर हो जाता कि वो यूरोपियंस को भी जो है वो ट्राई कर सकते थे मतलब उनको ट्रायल जो था वो अलाउड किया था यूरोपियंस का भी लेकिन यूरोपियंस को ये बात ना गंवा रहा थी कि इंडियन जज जो है वो हमें कैसे पनिश कर सकता है ठीक है तो इसीलिए एलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एंड इसको जो है पास नहीं किया था लेके कौन आया था ये बिल इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड रायपर ने 1883, तो ये कुछ प्री कांग्रेस टाइम क्या क्या जो है डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया में ये वो सारी चीजें जो आपको देखनी है अब हम देखते हैं कांग्रेस सेशन जब हमारा कांग्रेस एरा जब स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1885 में ठीक है तो पहले हम देखेंगे कांग्रेस जो है वो स्टार्ट किसने किया था ठीक है तो आपका आ गया ईयर में आ गए एरा जैसे मैं यहाँ पे आपको नोट्स बना रही हूं ना वैसे ही आप अपने नोट्स में लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो है चीजों की वो इजी हो जाएगी फॉर्म किसने किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसको फॉर्म किया था आपके एक ब्रिटिशर ने जो ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट थे जैसे आज के आई हैं उनको आईसीएस बोला जाता था रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एओह्यू इनने सेटअप किया था कांग्रेस को ठीक है अब आप सोचोगे कि कांग्रेस तो वो मतलब उसने इतना सपोर्ट किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में थ्रू आउट जो कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसको एक ब्रिटिशर ने क्यों लाया अब देखो माहौल कैसा क्रिएट हो रहा था कि जो इंडियंस हैं अब वो बात करने लगे थे ना उनको अब थोड़ी फीलिंग आई थी कि हमें राइट्स दे दो ठीक है और अब ब्रिटिशर्स को पता था अगर आज एक चीज डिमांड कर रहे हैं कल दूसरी चीज डिमांड करेंगे परसों दूसरी चीज डिमांड करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने एक चलाके की उन्होंने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट मीन्स हम इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें इनको लगेगा कि हाँ इनके लिए कुछ हमने किया है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपस में लगे रहेंगे और जो है क्या करेंगे ये सारी बातें करते रहेंगे कि हमें ये दे दो वो दे दो ठीक है उनका ये इसके पीछे मोटिव था उनने कोई अच्छे मोटिव से कांग्रेस सेटअप ऑर्गेनाइज नहीं किया था था कि बस इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये सिर्फ ये चीजें जो है डिस्कशन करते रहे ठीक है इसीलिए इस थियोरी के साथ आपको दो नाम जो है वो याद रखने हैं दो थियोरीज के नाम आपको इसमें याद रखने हैं जो कि इसके साथ रिलेटेड है एक हो गया सेफ्टी वेल सेफ्टी वेल्व और एक है लाइटनिंग कंडक्टर ये डिफिकल्ट नहीं है मैं आपको स्टोरी की तरह बता रही हूं बस आपको नाम जो है नेम्स जो है साथ साथ याद रखने लाइटनिंग कंडक्टर अब सेफ्टी वेल्व थेरी क्या कहती है सेफ्टी वेल्थ थियरी कहती है कि ये जो आई एन सी थी ये डेलीबरेट फाउंड की थी ब्रिटिशर्स ने ताकि इंडियन क्या करे अपना जो प्रेशर है वो रिलीज करने के लिए उनको कोई एक प्लेटफॉर्म मिले फिर वो ब्रिटिशर्स का कॉल होगा क्या वो उनका जो डिमांड है वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे पर एटलीस्ट ताकि ये जो इनके अंदर वो सेंटिमेंट जाग रहा है वो ज्यादा कोई वॉलेंट रूप ना ले ले ठीक है एंड उसका कुछ नेगेटिव रिपोर्शन ना हो ब्रिटिशर्स पे कल को जाके तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे दो जहां पे आपस में लगे रहेंगे डिस्कशन करते रहेंगे तो ये कहता है एक सेफ्टी वेल्थ थियोरी ठीक है और जो मॉडरेट्स है अर्ली मॉडरेट उन दूसरी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जो एओ ह्यूम है मॉडरेट्स ने यूज किया ह्यूम को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग कंडक्टर क्यों क्योंकि ये एक की तरह एक्ट किया इसने और जितने सारे नेशनलिस्ट हैं उनको क्या किया उनको एक इकट्ठे लाया उनके अंदर एक यूनिटी पैदा की थ्रू अ प्लेटफॉर्म ठीक है तो ये थी आपकी दो थे एक है सेफ्टी वेल्व एंड लाइटनिंग कंडक्टर एग्जाम में हो सकता है ऐसे आ जाए सेफ्टी वेल्व थेरी जो है ये किसके साथ रिलेटेड है तो ये रिलेटेड है आपके आईएनसी के ऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्या मोटिव था ये दोनों जो थियोरीज हैं ये इसी चीज से रिलेटेड है फाइन डिफिकल्ट नहीं है अभी तक आई होप आप समझ जाओ साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके रिलेटेड आई के रिलेटेड तो जो एओ ह्यूम थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया पहला सेशन आईएनसी का बॉम्बे में फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे इन 1885 ठीक है लेक्चर एंड करने से पहले मैं ये सारा आपको रिवाइज करवाऊंगी पहला सेशन हुआ आईएनसी का फर्स्ट सेशन फर्स्ट सेशन इट वॉज प्रजाइडेड बाय दैट मीन्स एक सेशन जो होगा उसके कोई ना कोई प्रेजिडेंट होंगे तो आपको सारे सेशन तो नहीं याद रखने लेकिन किसी सेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है जैसे स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट चली थी जब तो वो वाला सेशन जो था 1905 का जब मूवमेंट चली वो उनके उस टाइम के प्रेजिडेंट कौन थे ठीक है ऐसे दो चार जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी किसी किसी सेशन में बस वो पांच चार पांच सेशन हैं से टोटल जिनके आपको प्रेजेंट याद रखने हैं अभी पहला ही सेशन था तो आपको ये याद रखना होगा इनके इट वॉज प्राइडेड बाई वोमेश चंद्र बनर्जी वोमेश चंद्र बैनर्जी डब्ल्यू सी बैनर्जी भी शॉर्ट में इनको बोलते हैं ठीक है एंड और एक चीज याद रखो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे आई के फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट वो थे जॉर्ज यूल ठीक है ये अलाहाबाद में सेशन हुआ था आगे देखते हैं हमारी फर्स्ट आ, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की सरोजनी नायडू ये थी कानपुर सेशन में जब कानपुर में इनका सेशन हुआ था ठीक है एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट ये इंपॉर्टेंट नाम है ये याद रख लेना क्योंकि आगे हम होम मूवमेंट में भी ये नाम पढ़ेंगे तो वो हुआ था इनका सेशन कैलकटा में जब हुआ था ठीक है ओनली सेशन प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी सिर्फ एक ही सेशन के प्रेजिडेंट रहे हैं महात्मा गांधी वो सेशन हुआ था बेलगाम में ठीक है तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से कंसेप्चुअल इसमें आपका जो है वो नहीं आएगा ठीक है तो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट वॉज जॉर्ज यूल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू एंड जनरली फर्स्ट वुमेन कौन थी एनी बेसेंट एंड महात्मा गांधी इज योर बेलगॉम ठीक है तो ये आपका थोड़ा बहुत फैक्ट इसको लेके अब देखो जब कांग्रेस बनी थी आपने नाम सुने होंगे जैसे हमने स्वराज सुना पूर्ण स्वराज मैंने आपको स्पेशलाइजेशन में भी आई गेस एक जगह कहा था स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल के ठीक है आप रूल करो ब्रिटिशर्स को बोला आप रूल करो लेकिन आपके अंडर जो है हमें एक इंडिपेंडेंस दे दो वो स्वराज है फिर पूर्ण स्वराज आया एक टाइम पे जिसमें उन्होंने कहा नहीं बस आप चले जाओ यहाँ से हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए अब आपको ये याद रखना एम्स ऑफ आईएनसी क्या था आईएनसी का स्टार्टिंग से ही ऐसा कोई एम नहीं था उन्होंने कभी भी आपको स्टार्टिंग से स्वराज की डिमांड नहीं की वो सेल्फ रूल की डिमांड उन्होंने नहीं की थी तो वो क्या बेसिकली चाहते थे वो चाहते थे उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए उनको ताकि हमारी बात सुनो एंड जो आप बाद में एक्ट वगैरह पास करते हो आपके इन लेजिस्लेश में जो काम होते हैं तो उसमें आप थोड़े इंडियंस के इश्यूज़ को एड्रेस करो वो उनके एम थे ठीक है उनका था कि वो लोगों को जो पब्लिक है जो मासर्स हैं उनको वो एजुकेट करना चाहते हैं एजुकेट पब्लिक पॉलिटिकाइज करना चाहते थे पब्लिक को कि थोड़ा बहुत उनको पॉलिटिक्स के बारे में जो वो नॉलेज मिले वो रिफॉर्म्स की बात करते थे कि हमें कुछ रिफॉर्म्स दे दो हमें कुछ रिलैक्सेशन दे दो उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था उन्होंने कभी आपको ये नहीं बोला स्टार्टिंग में कि हमें सेल्फ रूल दे दो हमें स्वराज दे दो ठीक है तो उनको क्या था वो चाहते थे कि वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उससे एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को डेवलप कर सके और वो कैसे डेवलप होती जब वो लोगों को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में आगा करते पॉलिटिसाइज़ करते लोगों को तो उनको एक फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी डेवलप करवानी थी फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी एंड प्रमोशन या प्रमोट इंडियन नेशनहुड ठीक है तो ये इनके स्टार्टिंग के एम्स थे स्वराज नहीं था क्योंकि स्वराज जो है एक बड़ा टर्म है एक की है जिसको हम आई जब स्टार्ट हुआ था ठीक है तो इसके अर्ली लीडर्स जो थे वो मॉडरेट थे हम करंटली मॉडरेट फेज में है ना एटीन एटी फाइव टू नाइनटीन हंड्रेड फाइव वाले ठीक है तो ये आपका क्या चल रहा है यहाँ पे आई एन सी मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं आई एन सी एरा हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मॉडरेट फेज तो आपके जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कभी आपको स्वराज के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सेल्फ रूल दे दो हमें स्वराज दे दो तो ये उनके बेसिकली एम्स है हमें रिफॉर्म लाने हैं पोलिटिसाइज़ करना है लोगों को ठीक है एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी डेवलप करनी है एंड लोगों को थोड़ा बहुत इंडियन नेशनहुड के बारे में इस चीज को प्रमोट करना है तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे अब इसके लिए क्या मैथडोलॉजी यूज करते थे आपके मॉडरेट्स जो थे अर्ली कांग्रेस के जो आपके लोग थे इंपॉर्टेंट लोग इसके लिए क्या मैथडोलॉजी थी उस मेथेडोलॉजी में आपको याद रखना है मेथडोलॉजी थ्री पीज थ्री पीज में आपके हैं एक हो गया आपका नंबर वन प्रेयर्स सेकेंड इज योर पटिशन थर्ड इज योर प्रोटेस्ट ठीक है प्रेयर्स क्या हुआ पहले इसमें ब्रिटिश क्राउन को प्रेज करते थे प्रेजिंग द ब्रिटिश क्राउन कि हाँ आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो आप अच्छे हो आपको सब पता है आप ज्यादा एजुकेटेड हो ठीक है आपको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है लेकिन हमारी कुछ गुजारिश थी हमारे लिए कुछ करो ठीक है ये उनका एक मेथडोलॉजी जो है फॉलो करते थे फिर सेकेंड इज है पेटिशन तो पेटिशन में क्या करते थे ये अपनी जो एम है आप इन्हें तारीफ करती ठीक है अब अपनी जो एम है वो इसके थ्रू सामने लाते थे चाहे वो ऑरल फॉर्म में हो या रिटर्न फॉर्म में हो जैसे इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या जो वॉयस रॉय होते थे उस टाइम पे ठीक है या आपके जो क्राउन है दैट आपकी जो क्वीन वगैरह उनके उनको कुछ जो पटिशन्स है वो उनके पास भेजना तो ये इनकी जो मेन एम थी थ्रू पेटिशन ये पुट फॉरवर्ड करते थे कि क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं फिर थर्ड वन है जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट यो उनका मतलब ऐसे नहीं कोई लड़ाई वगैरह करते थे प्रोटेस्ट में वो क्या करते थे इसको साइलेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट बोलते हैं ठीक है वो परसुएड करना काइंड ऑफ परसुएशन होती थी कि हमें ये चाहिए ही चाहिए मतलब आपको लाना है आपको लेके आना है ऐसे करके परसुएट करना तो इसको साइलेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कहते थे मतलब ऐसी भी कोई ऐसी कोई भी चीज जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता हो वो ये नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट ठीक है ये इनकी मेथेडोलॉजी थी तो इतना इतना ही आपको इसमें याद रखना है हमें इतनी ही दीटे, ज्यादा डिटेल में हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है अदरवाइज मंथ्स टू तो जस्ट फिनिश दिस कॉम्पोनेंट दिस पार्ट ऑफ योर कॉम्पोनेंट एंड ये उतना ज्यादा आपके मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग जीके का बस एक कॉम्पोनेंट है यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड ठीक है तो एक बार ये रिविजन कर लेते हैं हमने क्या किया हम स्टार्ट हमने स्टार्ट किया आपके एटीन एटी फाइव आई एन सी एरा मॉडरेट फेज में हम अभी चल रहे हैं ठीक है मैं पहले पेन का कलर चेंज कर मॉडरेट फेज में अभी हम चल रहे हैं तो स्टार्ट किसने की थी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट आईसीएस ऑफिसर जो थे एओ ह्यूम इसके साथ हम दो थियोरीज एसोसिएट करते हैं एक है आपकी सेफ्टी वेल्व एक है लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी वेल्व क्या कहता है कि बेसिकली क्या हुआ मॉडरेट्स को उनको एज सेफ्टी वेल्व एक प्लेटफॉर्म दिया गया थ्रू ब्रिटिशर्स जहां पे वो ये सारी चीजें जो है अपनी डिस्कस करते रहेंगे लाइटनिंग कंडक्टर की जो मॉडरेट्स है उन्हें ह्यूम एओ ह्यूम को यूज किया क्या एज ए कैटलिस्ट एक्ट किया जिसने क्या किया अपनी uh, इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने सारे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया ठीक है तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 फर्स्ट सेशन वाज प्रिजाइडेड बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी बी से बॉम्बे बी से बैनर्जी याद रख लो बैनर्जी पहला सेशन का प्रेसिडेंट था फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल इलाहाबाद में वो सेशन हुआ था पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू कानपुर में एंड पहली वुमेन प्रेजिडेंट थी एनी बेसेंट कैलकटा में और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही सेशन को उन्होंने प्रेजाइड किया था बेलगोम ठीक है फिर हमने देखा आईएनसी के एम्स आईएनसी ने आपको स्टार्टिंग में जो आईएनसी के अभी मॉडरेट फेज में चल रहे हैं ठीक है जो मॉडरेट से आईएनसी के उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि हमें स्वराज या सेल्फ रूल दे दो ठीक है उनके क्या एम थे वो लोगों को एजुकेट करना चाहते थे एंड उनको थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइज करना चाहते थे पॉलिटिक्स के बारे में उनको बताना चाहते थे वो चाहते थे कुछ रिफॉर्म्स वो लेके आए लोगों के अंदर एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी डेवलप करें एंड एक फीलिंग नेशनल नेशनल यूनिटी या नेशन हुड की ठीक है कि हम एक ही नेशन है लोगों को एटलीस्ट हमारे मासस को ये बात पता चले फिर उनके लिए क्या मेथडोलॉजी यूज करते थे वो थ्री पीज वाली पहले हो गया प्रेयर जिसमें वो प्रेज करते ब्रिटिश क्राउन को कि हाँ आप ही हो जो भी हो फिर सेकेंड वन वोजी पिटिशन जिसमें अपनी एम बता दे कि वो क्या रिफॉर्म चाहते हैं थर्ड वन वॉज प्रोटेस्ट जिसमें वो साइलेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट थ्रू पर्सुएशन करते थे कि नहीं हमें ये वाली जो रिफॉर्म्स है ये आप लेके आओ वो फिर कितने सक्सेसफुल रहे नहीं रहे वो बात की बात है उतनी ज्यादा चेंजेस जो है मॉडरेट्स भी नहीं ला पाए क्योंकि जो मॉडरेट्स थे अर्ली मॉडरेट्स वो उनका जो मास्टर्स के साथ कांटेक्ट था वो वैसा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था ठीक है वो किसका रहा था बाद में वो बाद में जब एक्सट्रीमिस्ट वगैरह आए थे तब भी सारी चीजें हुई थी अब देखो मॉडरेट्स में आपको और क्या याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लो आप इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स कौन कौन से थे क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको नाम दिया और आपको बोला ये मॉडरेट थे कि ये एक्सट्रीमिस्ट थे किस कैटेगरी के थे तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देख लो मॉडरेट्स के इनके नाम याद रख लेना आप ये मॉडरेट्स थे एक आपके फिरोज शाह मेहता सेकेंड इज सुब्रमणिया अय्यर थर्ड बनेजो दादा भाई नेहरू जी फोर्थ वन जो गोपाल कृष्ण गोखले And that's it. ये आप याद रखो ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले में याद रख लेना ये पॉलिटिकल मेंटोर थे महात्मा गांधी के भी ठीक है तो ये सारे नाम हैं जो आप किनके साथ एसोसिएट करते हो मॉडरेट्स के साथ तो मॉडरेट सेशन यहाँ तक चला था उसके बाद 1905 में एक चीज हुई थी 1905 में क्या हुआ था ब्रिटिशर्स को लगा था कि बेसिकली लोगों के अंदर क्या हो रहा है वो नेशनैलिटी और नेशनहुड की फीलिंग जो है वो डेवलप हो रही है फाइन एंड वो सबसे ज्यादा उनको कहाँ लगा कहाँ डेवलप हो रही है उनको लगा वो सबसे ज्यादा बंगाल में डेवलप हो रही है तो उन्होंने अब हम नाइनटीन में ठीक है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक चालाकी की वो यूज करना चाहा उन्होंने मतलब बंगाल को उन्होंने डिवाइड करना चाहा ठीक है तो वो यूज कैसे किया रीजन देके कि जो बंगाल है इट इज़ टू लार्ज टू एडमिनिस्ट्रेट कि हमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफिकल्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे फाइन ईस्ट बंगाल में एंड वेस्ट बंगाल में तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन अपना टू तो ये पब्लिक कब किया टू डिवाइड बंगाल 1903 में एंड ये जो पार्टीशन हुआ था ये आया इन फोर्स सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन तो नाइनटीन में जब इन्होंने बोला ठीक है तो जब में इन्होंने अनाउंस किया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं तो वो टाइम से लेकर जब तक एक्चुअल पार्टीशन भी हुई तो काफी ज्यादा एक क्या था एक टेम्परेचर क्रिएट हो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया सोसाइटी में जहां पे लोगों को क्या हो उनके अंदर काफी गुस्सा था तो क्योंकि बंगाल में यूनिटी वगैरह जो है वो नेशन वो काफी डेवलप हो रहा था तो उनको पता था कि बोल रहे हैं कि हम टू लार्ज जो एडमिनिस्टर है बहुत बड़ी स्टेट है हमें दिक्कत आ रही है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए डिवाइड करेंगे लेकिन उनको इनके हिडन मोटिवस का पता था कि ये हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं ठीक है तो इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानी तो जो इनका डिसीजन था बेंगाल को डिवाइड करना इन ईस्टर्न बेंगाल एंड वेस्टर्न बेंगाल वो उसके खिलाफ जो थे इंडियंस काफी हो गए थे फाइन तो उस टाइम पे जो कांग्रेस थे इट वाज डोमिनेटेड मॉडरेट्स तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट किया एंटी पार्टीशन कैंपेन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल तो उनके लिए चीज नागवार थी उनको था कि पार्टीशन आप नहीं कर सकते हो बंगाल का तो उन्होंने एंटी पार्टीशन जो है कैंपेंस वो स्टार्ट की तो उसके मेजरली इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे एसोसिएट उनके साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के के मित्रा एंड पीसी रे ठीक है ये तीन नाम याद रख लो जो इस एंटी पार्टिशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे एंड न्यूज कौन से इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पे हिताब्दी संजीवनी एंड बेंगोली ये तीन न्यूज़पेपर्स देखो जिनको ओवरबर्डन लग रहा है याद रखना मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती इसमें क्योंकि एग्जाम देना इज़ योर चॉइस आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है तो इट्स योर कॉल हर साल कोई ना कोई फॉर्म निकलता जाएगा पोस्ट निकलती जाएगी आप इस डिलेमा में रहो मैं एक फॉर्म फ़िल कर रहा हूँ चांस है शायद सिलेक्ट होने का मैंने दूसरा फॉर्म फिल किया चांस है शायद सेलेक्ट होने का बट रियलिटी ये है जब तक आप अपने एफर्ट्स पुट इन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन जो है वो कोई आपको एन्श्योर नहीं कर सकता है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक ऑप्शन है आप स्किप करो याद ना रखो बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के चले जाओ फिर देख लो एग्जाम में क्या होता है फिर ऐसे ही बच्चे बाद में बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया आउट ऑफ सिलेबस आया ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था ठीक है ना आपको सिलेबस भी बस एक थोड़ा गाइड करने के लिए होता है थोड़ा बहुत आपको इधर उधर सिलेबस से भी घूमना पड़ता है चीजें देखने के लिए कंसिडरिंग कि कितना कॉम्पिटेटिव माहौल जो है सोसाइटी में आ रहा है मॉडरेट्स तो ने क्या किया उन्होंने एंटी पार्टीशन कैंपेनिंग स्टार्ट की जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया नाइनटीन हंड्रेड थ्री में कि हम बंगाल को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है बहुत बड़ी स्टेट है एडमिनिस्टर करना लेकिन इंडियंस को पता था कि ये हमारी यूनिटी ब्रेक करना चाहते हैं इस वजह से इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के के मित्रा एंड पी सी रेयाग के इंपॉर्टेंट नाम है एंड न्यूज पेपर्स बी एच एस बेंगोली हिताबरी एंड संजीवनी उस टाइम के जो थे वो सामने आए थे फाइन तो मास मूवमेंट चली थी इसको ये करने के लिए बंगाल को पार्टीशन को अपोज करने के लिए बाद में ये पहले बंगाल से स्टार्ट हो गई थी एंड दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी ये फैल गई थी अभी तक हमने स्वदेशी नहीं पढ़ा हम अभी सिर्फ हमने स्वदेशियन बायकॉट मूवमेंट इतना तो आपको पता होगा ना एक ऐसी मूवमेंट आई थी स्वदेशियन बायकॉट लेकिन अभी हम सिर्फ एंटी पार्टीशन कैंपेन देख रहे हैं एक एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है मॉडरेट्स के थ्रू चला था फाइन आगे देखते हैं इसी बीच में क्या हो रहा था आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे अब जो कांग्रेस के अंदर जो एक यंगर लॉर्ड था ठीक है गर्म खून जो चाहते थे कि थोड़ा बहुत वो जो इनके जो प्रेयर प्रोटेस्ट एंड पेटेशन वाला मेथड है उसे हट के काम करें थोड़ा एक्टिवली कुछ करें फाइन तो उनको लग रहा था कि जो मॉडरेट्स के मेथड्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो मॉडरेट्स के काइंड ऑफ अगेंस्ट थे लेकिन विद इन द कांग्रेस ही थे ठीक है उनको उनका मेथडोलॉजी जो है वो पसंद नहीं थी मॉडरेट साहब उनसे रिलेट करो जो आपके वो बुजुर्ग टाइप के जो हाँ बातें करेंगे हम पेटिशन देंगे हम प्रोटेस्ट देंगे जो उन चीजों से रिलेटेड थे ठीक है एंड एक्सट्रीमिस्ट आपका यंग ब्लड जो था जो चाहते थे कि हमें एक्चुअली में कुछ रियालिटीज है चेंजेस देखने को मिले तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट वाले फेज में बैकग्राउंड में याद रखना क्या हुआ था अनाउंस हो गया था कि आपका पार्टीशन वो करे हैं बेंगाल का एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेकर 1917 तक ठीक है तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है इनका एम जो था वो स्टार्टिंग से ही क्या था कि इनको अटेन करना है स्वराज सेल्फ रूल तो स्वराज जो टर्म है वे पहले पॉपुलराइज कहां से हुआ था आपके एक्सट्रीमिस्ट से हुआ था ना कि आपके मॉडरेट से और इनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था इनकी मेथडोलॉजी क्या थी उनका हमने क्या पढ़ा था थ्री पीस इनकी मेथेडोलॉजी थी पैसिव रेजिस्टेंस की पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली आप क्या करते हो आप बॉयकआउट वगैरह करते हो चीजों को मतलब आप अपने एंड से भी कुछ रेजिस्ट कर रहे हो कुछ चेंजेस ला रहे हो आप सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिख रहे हो आप सिर्फ पिटिशन नहीं दे रहे हो एंड ये पैसिव रेजिस्टेंस थी ठीक है एक्टिव रेजिस्टेंस होता है जिसमें आप वॉयेंट हो जाते हो वॉयेंट फोर्स का यूज करते हो तो एक्सट्रीमिस्ट फेस ऑल दो बॉयकआउट वगैरह को सपोर्ट करते थे लेकिन वॉयेंट वॉयेंस को ये सपोर्ट नहीं करते थे ये इनका पैसिव रेजिस्टेंस मेथेडोलॉजी थी ना कि एक्टिव रेजिस्टेंस ठीक ये कहते थे आप पैसिव रेजिस्टेंस करो आप चीजों को बॉयकॉट करना शुरू कर दो एंड यही मेथोडोलॉजी इसी से इन्होंने पॉपुलराइज किया जो भी स्वदेशियन बाइकऑट मूवमेंट उस टाइम पे जो माहौल चल रहा था बंगाल को बॉयकॉट करने का बंगाल को डिवाइड करने का उसमें इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की उन्होंने इसमें यही पैसिव रेजिटेंस वाली मेथोडोलॉजी यूज की और इस स्वदेशी इस मूवमेंट को जो बेस्ट लीडरशिप है वो एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू ही मिली स्वदेशियन बाइकऑट मूवमेंट को और ना के मॉडरे मॉडरेट्स के थ्रू ठीक है तो वापस ये थोड़ा बैकग्राउंड में था कि एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका स्टार्ट हो गया फाइन तो हमने क्या बोला था 1903 में क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे मॉडरेट्स ने क्या किया एंटी पार्टीशन कैंपेन जो स्टार्ट किए लेकिन चलते चलते हम एक्सट्रीमिस्ट वाले फेज में भी वहां से आ रहे थे एंड वो मॉडरेट्स वाले जो मेथलॉजी से थे उससे अग्री नहीं करते थे वो चाहते थे हम पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो अपनाएं फाइन तो इसी माहौल में क्या हुआ था सेवेंथ अगस्त 1905 को एक मीटिंग हुई सेवेंथ ऑगस्ट 1905 को एक मीटिंग हुई कहाँ पे कैलकाटा टाउन हॉल में कैलकाटा टाउन हॉल जहां पे उन्होंने पास किया बॉयकॉट रेजोल्यूशन इसीलिए मैंने आपको बीच में ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि हम एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो है एंटर हो गए थे एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी मेथोडोलॉजी थी पैसिव रेजिस्टेंस वाली तो उन्होंने क्या किया कैलकाटा टाउन हॉल में बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो है वो पास किया Fine, वो बोला कि हमें चीजों को बॉयकॉट करना है तो पहले इन्होंने boycott किया एक तो आपका मैनचेस्टर क्लोथ एंड लिवरपूल सॉल्ट ठीक है ये दो चीजों हैं यहां से इन्होंने अपना जो बॉयकॉट है वो स्टार्ट किया अब आगे देखते हैं फिर नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव में एक सेशन हुआ कांग्रेस का बनारस में मैंने आपको कहा था जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी किसी सेशन में हुई होंगी वो वाला सेशन हमें देखना है एंड इट वाज प्रोजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है तो उस सेशन में क्या किया उस सेशन में कहा पहले कंडेम किया कि हाँ पार्टीशन जो है वो गलत है उसको अग्री किया ने मॉडरेट्स ने भी एंड आपके एक्सट्रीमिस्ट ने भी एंड उन्होंने सपोर्ट किया एक एंटी पार्टीशन एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट को ठीक है तो यहां से हमने कहा एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलेगी एंड बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी सेवेंथगस्ट नाइनटीन फाइव कैलका टाउन हॉल की मीटिंग जो इमरजेंसी में बुलाई गई थी मीटिंग वहां पे बॉयकाउट रेजोल्यूशन पास हुआ था और यहां से हम एंटर हुए अपने स्वदेशी एंड बायकॉट एरा में तो होता क्या है बेसिकली स्वदेशी होता है जो आप इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करते हो ना सेल्फ रिलायंस इंडियन ब्रांड्स पे अगर आप बोल रहे हो बॉयकॉट कर रहे हो मैनचेस्टर क्लोथ को रिवरपुर सॉल्ट को तो आपको कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए ऑल्टरनेटिव उसके जगह क्या नमक खाओगे दैट मीन्स आपको अपनी आ, इस पे मैन्युफेक्चरिंग पे ध्यान देना होगा आपको स्वदेशी चीजों पर ध्यान देना होगा तो यही वो टाइम है जब अपनी एजुकेशन सामने आई एक बेंगाल नेशनल कॉलेज ठीक है वो बना एंड उसके प्रिंसिपल थे आपके औरबिंदो घोषिंदो घोष नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए एजुकेशन को वर्निकुलर मीडियम में आपका जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें ठीक है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने वो सॉन्ग लिखा था अम सोनार बंगला जो उनका ये है नेशनल नेशनल सॉन्ग बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला ठीक तो ये सारी चीजें इस टाइम पे हुई लोगों में एक यूनिटी आई लोगों ने एक दूसरे के जो थे हाथों में राखी बांधते थे कि हम एक हैं हम अलग नहीं हैं इसमें ठीक है तो ये सारी चीजें हुई ये कब चली आपकी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में तो इसका बैकग्राउंड क्या था वो चाहते थे ब्रिटिशर्स एक्चुअली यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे लेकिन उन्होंने रीजन क्या दिया कि हमें जो बंगाल एट इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर इसीलिए हम इसको ईस्ट वेस्ट बंगाल में डिवाइड करेंगे लोगों के लिए बात जो थी एक्सेप्टेबल नहीं थी एंड यहीं से आपका जो एक्सट्रीमिस्ट वाला जो फेज है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ एंड 1905 में इन्होंने कंडेम किया एंटी पार्टिशन स्वदेशी कंडेम किया पार्टी को एंड एंटी पार्टीशन स्वदेशी बयकॉट मूवमेंट जो उसको सपोर्ट किया ठीक है एंड इसी बीच में जो सेवेंथ अगस्त को 1905 में टाउन हॉल कैलकाटा में मीटिंग हुई थी जहां पे इन्होंने क्या किया था बैकआउट रेजोल्यूशन की बात की थी और ये जो आइडियोलॉजी है बाइकऑट रेजोल्यूशन की कहाँ से आती है आपके पैसिव रेजिस्टेंस से जो किन की मेथडोलॉजी है आपके एक्सट्रीमिस्ट की ठीक है तो एक्सट्रीमिस्ट ने काफी अच्छी जो है लीडरशिप प्रोवाइड की थी स्वदेशियान बॉयकॉट मूवमेंट को फाइन तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हुआ हो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हमने इसमें पहले प्री कांग्रेस कुछ एक्ट्स देखे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक तो हमने आर्म्स एक्ट देखा ठीक है एंड हमने एक वर्निकुलर प्रेस एक्ट देखा वर्निकुलर में हमने नाम कौन कौन से देखे लाइटन के जिसने ये एक्ट लाया था उसके बाद राइपर ने जिसने इसको रिपील किया था फिर हमने एक प्रेस एक्ट देखा काफी इंपॉर्टेंट एक्ट वो किसने लाया था चार्ल्स मेटकैफे ने वो इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि मेटकैफे को क्या बोला जाता है इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है इस एक्ट के बाद क्या हुआ ग्रोथ होगी आपके इंडियन प्रेस की लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ठीक है उसके बाद हमने एलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखी एलबर्ट बिल जो है जो कहता था इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है वो ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस को भी फाइन लेकिन ये बिल कभी भी पास नहीं हुई थी ये भी किसने लाई थी आपके रायपुर ने 1883 में पहले हमने ये देखा उसके बाद मैंने आपको मॉडरेट का फेज बोला मॉडरेट फेज स्टार्ट हुआ फिर हमने इनकी कुछ लीडरशिप उनके लीडर्स के नाम देखे वो आपको याद रखना है 1900 हंड्रेड uh, 1885 एटीन एटी फाइव टू नाइनटीन इनका जो है एक ए, जो है टाइम चला था इनका एरा चला था मॉडरेट्स का तो इनका एम क्या था स्वराज स्टार्टिंग से नहीं था ये सेल्फ रूल की बात मॉडरेट्स नहीं करते थे इनको बस कुछ रिफॉर्म्स चाहिए थे एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी लोगों में चाहिए थी ठीक है लोगों को पॉलिटिकाइज करना था थोड़ा एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी थी इन इन बातों पर काम करते थे एंड उसके लिए कौन सी मेथड्स मेथडोलॉजी यूज करते थे थ्री पीज वाली एक था आपका प्रेयर जिसमें पहले प्रेज करते ब्रिटिशर्स को थी क्राउन को प्रेज करते थे फिर पेटिशन रिटर्न फॉर्मेट में अपनी एम्स जो है वो सामने रखते थे उसके बाद प्रोटेस्ट जो कि इनका साइलेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट होता था ठीक है तो इसी बीच में क्या हुआ था जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बोला था उन्होंने नाइनटीन हंड्रेड थ्री में कहा कि हमें पार्टीशन करना है बंगाल का बेसिकली उनका था यूनिटी इनको बंगाल की तोड़नी है ठीक है लेकिन उन्होंने क्या कहा था इट इज टू लास्ट टू एडमिनिस्टर तो जब ये इन्होंने कहा था तो एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है स्टार्ट किया था मॉडरेट्स ने लेकिन तब एक एक्सट्रीमिस्ट वाला थोड़ा बहुत एलिमेंट कांग्रेस में आ गया था वो नहीं चाहते थे वो मॉडरेट्स वाला मेथड ही यूज करें तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे आपके उनका एम जो था वो स्टार्टिंग से स्वराज का ही रहा था सेल्फ रूल का और उनकी मेथेडोलॉजी उसमें क्या थी वो कहते थे कि आप इसमें पैसिव रेजिस्टेंस यूज करो दैट इज बाय मीन्स ऑफ बॉयकॉट एंड ऑल ठीक है तो यही उन्होंने क्या किया स्वदेशियन बॉयकॉट में भी उन्होंने यही वाला जो अपना मेथेडोलॉजी है ये यूज की फाइन तो क्या किया एक्सट्रीमिस्ट ने नाइनटीन टू नाइनटीन उनका फेज स्टार्ट हो गया एक्सट्रीमिस्ट का तो उन्होंने सेवेंथ अगस्त 1905 में एक रेजोल्यूशन पास किया बॉयकॉट के लिए उन्होंने कहा जो ब्रिटिश गुड है आपको ब्रिटिश गुड्स जो भी हैं उनको बॉयकॉट करो तो स्टार्टिंग किसको बॉयकॉट किया था मैनचेस्टर क्लोथ को एंड आपके लिवरपूल सॉल्ट को ठीक है लिवरपूल सॉल्ट इन दोनों को बॉयकॉट करने की बात हुई उसके बाद इतना सब होने के बाद भी सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन में फॉर्मल प्रोक्लेमेशन आया ठीक है एंड जो बॉयकॉट हुआ इसका बंगाल का वो फोर्स में आया सिक्सटीन अगस्त 1905 में ठीक तो इसके बाद क्या हुआ एक सेशन हुआ 1905 में वो कहाँ पे हुआ था वो आपके बनारस में हुआ था एंड इट वाज प्रेजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले तो उसमें उन्होंने कंडेम किया पार्टीशन को एंड उन्होंने सपोर्ट किया एक एंटी पार्टीशन एंड बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट को एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट को इसमें सपोर्ट किया ठीक है तो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया इसमें तो बात अब स्वदेशी की होने लगी तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो सेटअप किया गया बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप किया गया आपके अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है आपके अपने फैक्ट्रीज मैच बॉक्स की फैक्ट्रीज टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ये सारी चीजें जो है एक जो है इंडियन लेवल पे स्टार्ट होने लगी स्वदेशी का मतलब भी ये है जिसमें आप किसको प्रमोट करोगे इंडियन प्रोडक्ट्स को क्योंकि जहां पे वो किसी चीज को बॉयकआउट कर रहे हैं तो उनको उसका ऑल्टरनेटिव भी चाहिए तो वो उसका ऑल्टरनेटिव था कि जो इंडियन चीजें हैं उनको प्रमोट करो फाइन तो यहाँ पे हमने आगे देखा एक अमर सोनार बंगला वो जो सॉन्ग था वो इसी टाइम पे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सुनर बंगला एंड काफ़ी ज़्यादा एक जो था यूनिटी उस टाइम पे आपको देखने को मिली लोगों में लोग एक दूसरे को राखी वगैरह भी बांधते थे जो सिम्पलाइज करता था कि हम एक हैं तो ये सारी चीज़ें चली आपके स्वदेशन बॉयकॉट मूवमेंट के साथ ठीक है यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं हम नाइनटीन तक पहुंचे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं करना चाहती हूँ ताकि आपको ये टाइम टू टाइम जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना आप साथ रिवाइज कर पा वो मैं आपको बोलूँ ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे हर लेक्चर से पहले थोड़े फाइव मिनट्स में अपना लेक्चर जो है जल्दी जल्दी से रिकेप करेंगे ताकि आपके लिए इसकी जो रिटेंशन और मेमोराइजेशन है वो इजी हो जाए जो टाइम आप लोग नेक्स्ट वो बाई टेक हैव ग्रेट डे